गोवा में नोबडी केयर, सो ड्रेस एज द वे यू वॉन्ट. डू नॉट वेयर अ ब्रा इफ यू डोंट वॉन्ट टू. Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Firstly guys, thank you so much for all your love on my last vampire facial video. Here I am, I can see some amazing results on my skin. Abhi tak se 2 hafte hi hue, doctor ne kaha tha ki 3 hafte mein dikhega, but right now I just feel my skin feels and looks much better. Thoda bahut pore size hi mera yahan se kam ho gaya hai and ye jo mera area hai, yahan ke sare bumps mere almost गायब हो गए हैं. मार्क्स है, दैट्स द रीजन आपको इतना फर्क नहीं समझेगा, बिकॉज दीज आर ऑल मार्क्स, बट देयर इज नो प्रीवियस जो बम्प है वो 80% कम हो गया है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई सेकेंड सेशन. एनी वेज गाइज, आपको थंबनेल से मालूम पड़ गया होगा, आई एम गोइंग टू गोवा विथ माई गर्ल्स आफ्टर 2 years, बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. अगर थोड़ा बहुत आपको बताऊँ ये कैसे प्लान हुआ है, इज बिकॉज आर फ्रेंड ज्योत्सना इज कमिंग डाउन टू मुंबई एंड शी बी कमिंग विथ हर हस्बैंड टू गोवा दिस टाइम एंड दे बोथ वॉन्टेड टू विजिट गोवा. सो आई एंड डिम्पी विल बी गोइंग टू नाइट एंड परसों हमें ज्योत्सना एंड उसका हस्बैंड ज्वाइन करने वाले है एंड देन लेटर ऑन आर फ्रेंड लिली विल ऑल्सो ज्वाइन अस. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज सच बताऊ आई नीडेड दिस. मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही हूँ आजकल विथ वर्क एंड सो मच प्रेशर. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव ऑन माई प्लेट राइट नाउ. बट यस, यू नो कभी कभी थोड़ा बहुत तुमको एक चेंज चाहिए रहता है, यू नो थोड़ा ना रिजुनोवेशन चाहिए रहता है. दैट इज द रीजन आई ऑल्सो सेड येस टू द ट्रिप. थैंक्स टू डिम्पी एंड ज्योत्सना, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया है, वरना मैं मना कर दी थी. मैंने कहा था कि गाइज आई कांट अफोर्ड टू टेक अ 2 डे हॉलीडे बिकॉज पॉसिबल नहीं है, बट देन आई थॉट कि यार इट्स ओके, यू नो 2 दिन की बात है, क्या हो जाएगा 2 दिन में. सो इन केस इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप एंड यू आर स्केर्ड अबाउट योर वर्क, कुछ दिन के लिए काम बाजू में रख दो एंड प्लीज एक ट्रिप प्लान करो, स्पेशली विथ योर गर्लफ्रेंड्स, बिकॉज मुझे पता है कितना मजा आने वाला है ऑलरेडी, बिकॉज आई ऑलवेज हैव सो मच फन विथ माई गर्ल्स. एंड अब मैं बस बैग पैक कर रही थी. इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अपना यू नो गोवा ट्रिप बजट में कर सको. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ज्यादा तो कुछ टिप्स है नहीं, बट जितना बहुत मैं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम समबडी हु ट्राइज टू सेव मनी वेर एवर पॉसिबल. सो जितना भी अगर मैं डिम्पी ज्योत्सना हम जो भी ना अगर आपको कभी कुछ टिप देंगे तो प्लीज रजिस्टर दैट बिकॉज ओनली गर्ल्स ट्रिप में यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट अगर आपको बजट में करना है देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगी कि हमने फ्लाइट टिकट्स देखे थे. ओके, एंड फ्लाइट टिकट्स वर 8,500 ओके फ्रॉम मुंबई टू गोवा. सो वॉट आई एंड डिम्पी डिसाइडेड इज दैट वाई डोंट वी गो बाई ट्रेन. ट्रेन वैसे भी यू गेट फ्रॉम दादर स्टेशन और आई थिंक बोरिवली स्टेशन से मिलता है ट्रेन, एंड ट्रेन इज फॉर ओनली 1,500 रुपीज. तो 8,000 एंड 1,500, कैन यू बिलीव इट, लाइक आप कितने ज्यादा पैसे बचा रहे हो. तो वो पैसा आप स्पेंड कर सकते हो आपके बूज में, इन योर शॉपिंग, इन योर घूमना फिरना, कितनी चीजें होती है, आप पेट्रोल डलवाओगे गाड़ी में, वो सब कवर अप हो जाएगा इफ यू सेव अप सो मच ऑफ मनी. लाइक 8,000 एंड 1,500 के बीच में अराउंड 6,500 का फर्क है. तो वी बोथ टूगेदर आर सेविंग अराउंड 13,000 रुपीज विच वी आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग देयर. दैट्स द रीजन वी डिसाइडेड टू गो बाय ट्रेन. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिप एंड अभी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं बैग पैक कर रही हूँ, मेरी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है. मैं आपको कुछ चीज बताने आई हूँ यहाँ पर. I have this travel pouch that I got from Amazon. Okay, so ये जो pouch है इसमें सारी चीजें मेरी आ गई है, बहुत सारे compartments है. यहाँ पर आप देखो मेरा makeup आ गया है, यहाँ पर मेरे tablets आएंगे, मैंने nipple pasties भी carry कर ली, nipple pasties is a must, and यहाँ पर मेरा lipsticks आ गया, and यहाँ पर जो आएगा मेरे skin care आएगा. And guys, you all know that Goa का जो climate है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, like Goa is very very hot. So मैंने whatever skin care you use here, maybe शायद आपको वहां पर काम नहीं आए, बिकॉज आप जो भी लगाओगे आपके स्किन पे उसके ऊपर आप मेकअप करोगे तो आपकी स्किन ना बहुत ड्राई हो जाएगी एंड द मेकअप माइट ऑल्सो कम ऑफ, यू नो दैट इज द रीजन वेन एवर आई गो टू अ प्लेस विच इज हॉट एंड विच इज ड्राई एंड विच इज नॉट एज ह्यूमिड एज मुंबई, आई ऑलवेज चेंज माई स्किन केयर. एंड फॉर दैट टूडे आई हैव 3 प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज इन केस इफ यू आर ट्रेवलिंग एंड अप्लाइंग मेकअप, देन मेकअप के पहले आपको ये 3 प्रोडक्ट यूज करने चाहिए. सो गाइस, सबसे पहले मेरे फेस को क्लीन करने के लिए मैं डर्मावीव का ये हाइड्रा क्लेंजर यूज करती हूँ. इसमें ओटमील भी है, ये बहुत ही लाइट वेट है मेरे स्किन पे एंड ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है एंड ऑल्सो सेंसिटिव स्किन. इट लीव्स माय स्किन स्क्वीकी क्लीन एंड प्रिवेंट्स मी फ्रॉम ब्रेकआउट्स, जो राइट नाउ मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. नेक्स्ट, टू मॉइस्चराइज माई फेस आई यूज अ न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन. दिस हैज विटामिन ई, दिस वर्क्स एज अ सुपर बेस फॉर योर मेकअप एंड डजेंट मेक योर स्किन वेरी ऑयली एज वेल एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स.
एंड लास्टली बॉडी केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बॉडी की स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. सो आई यूज दिस डर्मावीव मॉइस्चराइजिंग लोशन. इट इज बेस्ट फॉर पीपल विद सुपर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन एंड इट इज आइडियल फॉर पोस्ट वैक्सिंग शेविंग एंड थ्रेडिंग व्हेन स्किन बिकम्स वेरी सेंसिटिव. सो गाइज दीज थ्री प्रोडक्ट्स आई हैव टू पैक ऑन एनी वेकेशन आई गो एंड इवन मुंबई में पता है बहुत ज्यादा ठंड है तो बॉडी बहुत ड्राई हो रही है, स्किन भी मेरी बहुत ज्यादा फ्लेकी हो रही है. तो मुझे आजकल मुंबई में भी बहुत अच्छे से काम आ रहा है. सो आई एम गोना बी पैकिंग दिस इन दैट ट्रैवल पाउच ऑफ माइन एंड शो यू. सो गाइज यू कैन सी कितने इजीली ये तीन प्रोडक्ट्स मेरे ट्रैवल पाउच में फिट हो गए. तो मैं जा रही हूँ अब ये पाउच को मेरे सूटकेस में डालने के लिए. इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज थ्री प्रोडक्ट्स देन द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. और मेरी ट्रेन आज रात को 11:45 को है फ्रॉम दादर तो मेरे पास अभी भी 3-4 घंटे आराम से है सोचने के लिए कि मैं कुछ भूल रही हूँ क्या नहीं. सो आई सी यू गाइज एट दादर स्टेशन विद माई फ्रेंड डिम्पी. ट्रेन बस आने में कितना टाइम बाकी है? करो. डिम्पी इज वेरी एक्साइटेड. इवन इफ शी इज कमिंग इन दिस होटल फॉर द सेकेंड टाइम शी इज सुपर एक्साइटेड. थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम. ओके तो इट्स डिम्पी इज होटल ओनली. ओके तो लेट मी शो यू अराउंड. डिम्पी विल शो अस अराउंड. या बाय द वे वी जस्ट गॉट टू नो द सुनील शेट्टी का होटल है ये. लाइक ही इज वन ऑफ द पार्टनर्स. मे बी ही इज द मेन पार्टनर, आई डोंट नो. बट या वेरी नाइस यार. डिम्पी शो अस अराउंड. This is the washroom and I just got to know we have a bathtub. 1 BHK mein bathtub. I am surprised. Okay. I'll drop in all the details of the hotel later in the description box. Don't worry. And also this is not a collab, guys. And room starts here. No, I'm not finished. Dimpi, kya kar rahi hai? Let's show them the room. Ooh, drum rolls please. Amazing. Babe, bed में हम 3-4 लोग सो सकते हैं but we don't have anyone. That is the problem. But ठीक है चलो. Let me just show you all. There's one more washroom. So I and Dimpi have personal washrooms. By the way guys, the sad part is हम इस room में सिर्फ एक दिन के लिए है. Tomorrow we are shifting with our friend Jyotsna. तो आपको दूसरा room tour जल्दी मिलने वाला है. And this is another space. I think extra bedding lagakar also people can sleep here. And the view from my room. And you can go out from there. Yahan se? Nah, see, there's a place there. Okay. So there are like wooden barricades here. And aise you can get out. And then I can directly go to the pool. Access the pool from here. I think it's amazing. So this is the room that I am staying in. Locking you out. So guys, this is my look for day one. I'm wearing this very cute green top. And this bag from Accessorize and this jacket in case if I feel cold. And that is Dimpi. Hi. Look at my hair. That is हम लोगों ने चेंज लिया है कपड़ों के लिए बिकॉज हमने डिसाइड किया है कि हम हर जगह पे जाएंगे तो हम चेंज करके ही जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम आउटफिट बिकॉज हमने बहुत ओवर पैक किया तो लेट्स मेक यूज ऑफ इट. सो नाउ वी आर गोइंग टू ओको. ओको इज वेयर डिम्पी? इट्स इन
Mandarim, I think. Mandarim. Yeah, I think. And I heard it's a very nice place. Yes. By the way, I've been invited to be hosted there. So I and Divya are going and going to be chilling there. So I'll keep you guys along with me. Uske pehle we are hiring a car. Yes. Yahan par, by the way, car ka 2000 rupees they are charging for a day. Yeah. But in case if you take for more days. More than one day, they will charge 1500. Yeah, and mujhe Depends on the car. हम दोनों को किसी को भी आती नहीं है बाइक चलाना तो आई थिंक कार इज द सेफेस्ट बिकॉज डिम्पी कैन ड्राइव एंड शी इज अ वेरी सेफ ड्राइवर सो वी आर गोइंग हायरिंग अ कार एंड देन आई टेक यू गाइस टू ओको विथ मी So guys, the place looks amazing. And after we were done with Oko, we went to this next place called Azule, or it's called Azul. I don't know how it's pronounced, but just look at this place, guys. Two brilliant girls who just changed in the washroom. So like I told you, हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा और दिन कम, so we just changed and this is our outfit. Dimpy is wearing a very cute cot set which has a frill skirt, and I am wearing this skirt, this top and this bandana. थोड़ा different. Bashful biker look today. Biker look today, बस bike नहीं है. हमारे साइड पे लाइट अच्छी है यार. Oh my God, I love it. Yeah. Hi guys, so we are back into our room and we are so tired. And we are in two minds right now. हम सोच रहे हैं कि हमारे पास गोवा में इतने कम दिन हैं, तो should we like go to a nice party in the night or should we go off to sleep because we're very tired? But I think we will go somewhere because it doesn't make sense. Like सोकर फायदा नहीं है, हम इतना खर्चा कर रहे हैं यहाँ पर. क्या है, तुम लोग बॉम्बे में सो जाएंगे, मुंबई में सो सकते हैं यार, why to sleep here? तो we will definitely get out. अब हम decide करें हम कहाँ जाए. Either we go and eat somewhere Maggie or we go and party somewhere. We don't or something we'll do, but we'll go out for sure. For sure. Like we'll go or eat something just for a drive. Just for a drive we'll go because we have the car to us till tomorrow 9 in the morning also. So we don't want to waste it. So I'll keep you guys along with me, and in case if you're also in Goa and you're also taking, you know, like a nice trip with your friends, don't waste even one minute, I'm telling you, because bahut cheeze hai explore karne ke liye. Aur ye to jo do jagah thi na, Oko and Azule, please do visit those places, they're amazing. Aaj day 1 tha, tomorrow day 2. I'll keep you and we have more friends coming tomorrow. Yes. Jyotsna is coming, her husband is coming, a lot of other friends are coming. तो आज का दिन तो हम दोनों ही थे, बट हाँ अभी हमको डिसाइड करना है हमें नेक्स्ट क्या करना है रात को. तो आई कीप यू गाइस अलोंग विद मी. कुछ तो करेंगे, बट कुछ तो करेंगे. हाय गाइस, तो इट्स 3 o'clock इन द नाइट एंड आई एंड डिम्पी आर कमिंग बैक फ्रॉम क्लब कबाड़ा एंड वी आर गोना हैव मैगी मैगी एंड सबसे पहले क्लब कबाड़ा में बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत ही अमेजिंग था एंड आई रियली लव्ड इट. आई हार्डली सॉ एनी इंडियंस, सब नो फॉरेनर्स आई हैव सीन, ऑल वर सो वेल ड्रेस्ड, एवरीबॉडी हैज सच गुड एटिकेट्स, बहुत 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 ही डिसेंट एंड वेरी नाइस क्लब. एंड नाउ वी आर हियर टू ईट मैगी एट क्लब हैमर्स के सामने ही एक मैगी वाला बैठता था, वहाँ पर आया बिकॉज डिम्पी सर यहाँ पे बहुत टेस्टी मैगी होती है. तो इनकेस इफ यू आर इन गोवा एंड यू वॉन्ट टू ईट सम नाइस मैगी इन द नाइट एंड कम हियर एंड अभी आई शो यू हमारी मैगी का प्लेट आने वाला है.
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दैट्स आवर कार। मैं जल्दी उठी बिकॉज ये कार को हमको लौटाना था। हमने सिर्फ एक दिन के लिए कार ली थी। बाय द वे, हायरिंग अ कार इज सो मच ईजी। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो कार हायर करो, सेफ भी रहोगे एंड ज़्यादा लोग हो तो। बट मेरे को और डिम्पी को, दोनों को बाइक नहीं आती, मैंने आपको बताया। बट बहुत ही मज़ा आया ये कार में, इट वॉज न्यू, यू नो। तो डिम्पी बोल रही थी चलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा उसको। एंड अभी बस मैं रिटर्न करने आई थी कार को, उन्होंने हमसे 5000 रुपीज़ लिए थे, 2000 फॉर वन डे एंड 3000 डिपॉजिट। अभी बस उन्होंने मेरे को 3000 लौटाया है एंड आई जस्ट टुक आवर आई डी कार्ड ऑल्सो बैक एंड नाउ विल बी शिफ्टिंग टू मॉर्जिम वेयर ज्योत्सना इज स्टेइंग विद हर हस्बैंड। होटल दैट अंजेश एंड ज्योत्सना आर स्टेइंग। हम बस अभी अंदर जा रहे हैं एंड लेट्स सी अ न्यू रूम। सो गाइज, वी आर इन आर न्यू रूम एंड मैंने और डिम्पी ने सोचा है कि हम थोड़ा सा यू नो बियर एंड मैं क्या पी रही हूँ, मैं पोर्ट वाइन पी रही हूँ बिकॉज मैं बिगिनर लेवल पे हूँ अभी तक। तो मैं पोर्ट वाइन पी रही हूँ, डिम्पी बियर पी रही है। तो चीयर्स डिम्पी। कुछ ही बोलो, पोर्ट वाइन बहुत टेस्टी होती है, वेरी टेस्टी बियर भी। चलो लेट्स गो, अभी हम पूल साइड पर थोड़ा चिल करने जा रहे हैं। Hi guys, so we are here in this swimming pool and this is Dimpy. We're gonna have fun today. Yes! So I have worn a bikini for the first time near the swimming pool. Viv, do you want to show my bikini? This is my swimming pool look. I've only applied a lot of sunscreen and some blush. And this is the bikini. By the way guys, I got this bikini for ₹500 from Goa. So in case if you are planning to get bikinis from Mumbai, do not get because yahan par bahut cheap lagte hain. And yeah, see this is and now I'm going to be going in water. So that's my friend Josna who's just come here and we just checked in her hotel and that's Dimpy, you already know. And we are here. Where is our plan next? Dimpy knows. Dimpy is the one who's made the itinerary for today. Tour guide. Tour. Dimpy knows all the places, all the roads, everything. Like she's such a safe person to have in the group. So babe, where are we going safe next? Person. Safe person. After getting grand calls. Purple Martini. Purple Martini? Okay, चलो let's go to Purple Martini. So guys, we are back. Yes, so now okay. So Dimpy, you say because I'm tired now. Okay. Yeah. So now we are back in the room and we are gonna go get ready. Yeah. And so we're gonna go Romeo Lane.
Yeah. And the other is House of Chupara, which we are waiting to go there. Yeah. Also, guys, today we went to Purple Martini. In case if you're coming to Goa, it's a place must visit because there is good crowd. And number two, it's near the beach side. So there and is it's beach. A, yeah, it's a sunset point. So sunset make point. Sure you go for sunset over there. Sunset over there. Hum thoda sa late gaye the, but up sunset ke time pe jana, you'll really love the vibe there. And music, the purane wale kaun sa tha wo? English wale purane, but wo kaun sa tha? Wo humne jo gana ye kiya. Baby just love me, love me, love me. Baby just hold me, hold me, hold me. So guys, we are ready for the night and today we three are going. Where are we going, guys? Romeo Lane and after that House of Chupara. Yeah, and this is my outfit. I'm wearing a skirt and a top and a bandana like this. Jyotsna, what are you wearing? I'm wearing mango dress. Wow. Classic black dress. And Dimpy is wearing a very sexy short dress. So we three girls are ready to rock the Goa nightclubs tonight. And if it happened to me, I'll show you where we went. A glimpse will show. A glimpse will try and show. Yeah. Bye. Especially in Romeo Lane. Juliet. We are so tired. We are the Juliet. We still have like, kitna? Khatam idhar se? 20-30 stairs. This is walk, na? Walk. Still there is a long walk. Let's go, guys. Let's take a picture. Say hi, Jodes. Where are you? Hey. Hi. We finally sat in this small car and he's taking us around. Like to get out, exit ke liye, this is the way we get out. And we are finally here. And then guys, after that we went to House of Chupara. Yahan par Dimpy ko lekar aayi thi. And there was such amazing dance going on. Bahut hi acha, you know, thoda hippie vibe tha jagah ka. So for a change, hum aur nayi type ki jagah par aaye the. And guys, उसके बाद हम घर आकर सो गए एंड दिस इज द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे मैं और डिम्पी रूम में बूज कर रहे थे. डिम्पी ने वहाँ का आई मीन गोवा का एक लोकल बियर उठाया था विच इज़ कॉल्ड ब्रो कोड. एंड मी एज यूजुअल बिगिनर लेवल आई एम हैविंग पोर्ट वाइन. मुझे पोर्ट वाइन से जो हल्का सा हाई होता है आई रियली फील गुड एंड यू नो थ्रू आउट द डे आई कैन सस्टेन दैट. गाइस, इट्स माय लास्ट डे हियर एंड आई विल मिस डिम्पी. I'm gonna miss you. Don't go. तुम्हारे बाल गीले. We are going to miss each other, yeah. I meet her almost every week, but I really wanted to spend some more time. Yeah. I have to go back. I have a lot of work to do. Maybe I'll miss you. Miss you. This is a sign to get your best friend to Goa and spend time with her because we had an amazing time. Amazing. And hope this vlog helps you with choosing affordable places in Goa and having a trip in a budget. In budget. Yeah. Hai ki nahi babe? Yes. Okay. Bye. Love you. Bye. Bye. गर्ल्स ट्रिप पे जाओ और एक दूसरे के बाल स्ट्रेटन ना करो या कपड़ों पे सेफ्टी पिन ना लगाओ तो गर्ल्स ट्रिप इज इनकम्प्लीट. एंड आई एम हियर स्ट्रेटनिंग माय फ्रेंड ज्योत्सनाज हेयर एंड उसके बाद हम निकल रहे थे फॉर बर्गर फैक्ट्री मॉर्जिम. सुपर एक्साइटेड. So guys, we girls have left and this is Jyotsna, this is Kitty Boom. No, that's Lily. And this is Dimpy. Constant. Constant. And we are all leaving. Where are we going, babe? Burger Factory Morgim. जो इससे अभी चेक नहीं किया कितना दूर है. Burger Factory Morgim. नहीं बेबी, यहाँ पे नेटवर्क आएगा. Burger Factory Morgim, we are going. I've already been to that. This is the second time I'll be going and I'll keep you guys along. And I will not lie. Yes, we are a little tipsy. हमने घर के लिए बहुत सारा यू नो रेड वाइन पोर्ट वाइन सब लिया था. सो एंड या दिस इज हाउ यू कैन कट डाउन ऑन योर यू नो गोवा एक्सपेंस बाई कीपिंग योर बूज विथ यू सो दैट यू कैन प्री बूज एंड गो टू प्लेसेज एंड देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी देयर.
Bye. We're going to we are going to Burger Factory right now. Bye. So we have reached Burger Factory and we are really drunk from all the booze we had at home. And let me show you all the view, guys. Look at this! Amazing! It's just too sunny. It's too sunny, but it's good. It's good. And guys, Goa mein nobody cares. So dress as the way you want. Please. Do not wear a bra if you don't want to. The way you want, dress like that and just go and chill. So we came back home and our plan was on the beach jaane ka, but we all just fell off to sleep because first we were all a little tipsy and number two we were all very very tired. So hum aakar so gaye and now I have to leave for the airport because I'm leaving. My friends are all secretly wishing ki meri flight cancel ho jaye and I'm like please aisa mat bolo because I have something to attend tomorrow and day after also I have a lot of work, pending work, so I have to get that done as well. So I'm waiting for my taxi. By the way, taxis in Goa are very expensive. I just asked, so usne bola 2400 to the Dabolim International Airport. Now it is 1.5 hours, but 2400, like Mumbai mein 2400 mein hum kitni sari cheeze kar lete hai, and Olas and all are so cheap, but this is one place where we couldn't do any cost cutting because you don't have an option. So I have to pay 2400 and go to the Goa International Dabolim Airport. In case if you have anything, then let us know because I would love to share it with my people whoever come to Goa ki kaise hum cost cutting kare on this taxi thing. Otherwise rest humne kaafi budget mein har cheez kar liya yahan par. And yeah guys, that's it. Ab main airport jaungi and I'll keep you guys along with me. Also this vlog is going to come to an end very soon, so bye. Final goodbye to my girls. Bye. I'll see you guys in Mumbai. Yes. Be good, okay? Yeah. See you day after. Bye. And then रात को 2 बजे मैं घर पहुंच गई guys. And if you like this video, please hit this video thumbs up button. Share it with all those who are planning a Goa trip, especially your girlfriends. And thank you so much for watching. Do subscribe. Bye.